वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज है जी क्या दिन है आज, मुझे खुद को नहीं पता क्या दिन है, मैं भूल गई हूँ। अच्छा जी, तो आज हमें जाना है स्टूडियो और मैंने सोचा कि एक खूबसूरत सा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग शूट कर लिया जाए। सो, अभी होने लगी हूँ मैं रेडी स्टूडियो जाने के लिए। तो कर तो मैंने सुबह ही स्टार्ट लेना था बट वो टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं इस वक्त ही स्टार्ट कर लूँ। और उसके बाद जी अभी हम लोग जाने लगे हैं स्टूडियो, तो मैं होती हूँ रेडी, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि जी हम स्टूडियो में कैसे गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, कैसे गाना बनता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे रिलीज़ होता है। रिलीज़ तो खैर बाद में होता है बट उससे पहले जो सारा प्रोसीजर होता है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। जी एवरीवन, तो मैं हो चुकी हूँ जी यहाँ पे रेडी और बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई नो मैं प्यारी लग रही हूँ। और ये जो मेरा मेकअप है इसकी मैंने जो वीडियो है वो मैंने बना के रख ली है और वो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। आप लोग भी जाइएगा और देखिएगा ज़रूर प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद जी अभी काम की बात कर लेते हैं, फजूल बातें बहुत हो चुकी हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टूडियो। भाई अंसार भाई अब्रार मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं कि सोनिया तुम तैयार नहीं होती हो जल्दी और तुम जल्दी नहीं निकलती हो, और अल्लाह की कसम मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, इन लोगों से तो पहले ही तैयार होती हूँ। उसके बाद जी अभी हम लोग जाएंगे स्टूडियो और वहाँ का माहौल मैं आपको बताऊँगी कि कैसा होता है। बहुत अच्छा होता है, मजाक कर रही हूँ। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो काम करने का आता है किट्टू भाई के साथ। तो अभी जाऊँगी वहाँ और आप सबको किट्टू भाई से भी मिलवाऊँगी और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और फिर अपना काम करेंगे। और यहाँ पे जी हम लोग प्यारे प्यारे बन के गाड़ी में बैठ चुके हैं और जाने लगे हैं अपने स्टूडियो की तरफ। तो ये देखें जी इब्रार को, तो बस तकफरुल्ला जितना मासूम ये नज़र आ रहा है इतना है नहीं। तो चले अभी आपको स्टूडियो लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय, ये हैं जी हमारे किट्टू भाई और हम इन्हीं के पास अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, अपने ये गाने शाने हमारे यहाँ पे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा सुपर हिट ये तो बात सच्ची है। और ये हैं हमारे डायरेक्टर नवी चोर साहब, बिल्कुल। और ये हैं भाई अली अहमद भाई, बहुत अच्छे शायर हैं और मुझे तो आप सब जानते ही हैं। सही बात है। हाँ जी, तो यहाँ पे इन सब लोगों की बातें स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़रूरी वाली जी। और जाहिर सी बात है अब एक साइड पे वीडियो मेकर बैठे होंगे, शायर बैठे होंगे, सिंगर्स बैठे होंगे और स्टूडियो में तो खैर किट्टू भाई तो कमाल इंसान है और ये सब लोग बैठे होते हैं तो फिर बहुत ही इनकी लंबी लंबी बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि ऐसा जी ऐसा, ये वाला गाना ऐसा, ये वाला गाना ऐसा और ये वो। और ये हूँ जी मैं इन सब लोगों में मुँह उठा के बैठी हुई थी तो मैं अभी देख रही हूँ कि कब हमारा ये इन लोगों की बातें ख़त्म हों और हम लोग काम स्टार्ट करें। और यहाँ पे अंसार भाई मेरी तरफ़ देख के हंस रहे थे कि ये बोर हो रही है, और फाइनली इन लोगों की बातें ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ माइक पे खड़ी। और यहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कद ही बहुत लंबा है, ताकि किट्टू भाई हमेशा हंसते हैं मुझ पर कि इसका कद इतना छोटा सा है और इसलिए फिर मुझे माइक नीचे करना पड़ता है। आगे फिर रिकॉर्डिंग आपको सुनाती हूँ इस टाइप के भी। बोलो किट्टू भाई जरूर। यहाँ पे किट्टू भाई मुझे समझा रहे थे कि व्लॉगिंग में मीम्स डाला करो, ये चीज़ किया करो, ये चीज़ किया करो। जाहिर है अब मेरा नया नया है तो मैं सीख जाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपको एक चीज सुनाती हूँ, ठीक है? तो अभी फिर बिस्मिल्लाह करें, ठीक हो गया? बटन पूछ ली पहले। अच्छा बताएं, ऊपर वाला चौथा सफेद ये गुड हो गया। अरे स्पीकर बंद कर दे फिर। नहीं करती मैं, इतनी पागल थोड़ी हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। बिल्कुल ब्लॉगिंग के पंखा बंद बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ हो चुकी है भाई इब्रार की रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मैं पहले तो माइक पे मैं ऐसे ही खड़ी भी थी। सबसे पहले भाई इब्रार की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। भाई इब्रार ने कहा कि मुझे गाना अच्छे से आता है तो मैं पहले गा लेता हूँ। और ये बंदा हमेशा यार, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, आगे जो इसके आगे जो वीडियो है ना उसमें आपको बताएंगे कि ये करता क्या है। एक मिनट, आप सबको एक चीज तो मैंने बताई नहीं कि हमें रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा जो जलील करता है ना बंदा वो ये ये इंसान है ये किट्टू भाई। जिंदगी है ना मेरी, ये बहुत जलील करता है रिकॉर्डिंग में। और यार तुसी गल है कि सारे मिले हुए ने भाई, हम मिले हुए नहीं है। तुम अपनी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ठीक करते हैं? चलो डेमो दिखाओ, तू कल ही ऐसे चाहिए थी मोरे। मैं अभी आप सबको डेमो दिखाती हूँ, करो रिकॉर्डिंग। चलो यार
चार नोट बंद ने यार। तो अभी है जी भाई अंसार की बारी, अभी इनकी रिकॉर्डिंग होगी। ये बंदा तंग नहीं करता, ये बड़ा अच्छा पेशेंट। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे। तो ये बंदा तंग नहीं करता, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है भाई अंसार की। इनके गले को पता नहीं कुछ हो रहा है। नजर लगी है ये यार, बस अभी मैंने दम किया ना ठीक हो जाए। साडा अगर 100 गाना होएगा ना, 100 गाने च भी इनू नजर लग रही है। यार किटू गल अंजे के मैं हैगा सोना बड़ा ते सुने तो बस तो फिर अल्लाह सानू उल्ली लगी हुई है। साडे ते कपड़ा पा दियो। हां वैसे गल्ले नु लगने सी। सही गल। से पूछ रहे थे कि सोनिया तुम फोन कैसे पकड़ती हो, और मैं उनको बता रही थी ऐसे 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 व्लॉगिंग करती हूँ मैं, फोन पकड़ती हूँ। तो वो हंस रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे मेरी हो गई है रिकॉर्डिंग स्टार्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी की, मेरा गाना भी बहुत अच्छा बना, और आगे आपको सुनाऊंगी। और यहाँ पे एक भाई आए हैं जो किटू भाई लोगों के पास होते हैं, और उनकी जरा आप बात सुने। तो भाई अंसार मुझे समझा रहे होते हैं कि सोनिया ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इब्रार भी समझाते हैं, खैर उनके पास कैमरा था, वो कैसे समझाते कैसे बताते। तो यहाँ पे अभी मुझे समझा रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और मेरी रिकॉर्डिंग खैर एक लाइन तो बहुत अच्छी हो गई थी यहाँ पे। और मेरी जब रिकॉर्डिंग अच्छी होती है ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। जब रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती फिर मैं दुखी हो जाती हूँ कि हाय ये क्या कर दिया मैंने। पीके भाई ने चाती मारी। मैं देखने आऊं ये कहां तक पहुंचे हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंग नहीं करती। सबसे रोल देते कर मेरे तो वख ढोल देते। गुरबत सानू रोल दिता कर मेरे तो वख ढोल दिता। अब जी किटू भाई सो रहे हैं, आंखें बंद करो, बंद कर रखा। तो नहीं सोने नहीं लगे, थक गए हैं हमारी रिकॉर्डिंग कर करके। अभी तो मेरी सुबह ही है, इसकी सुबह हो रही है। तो सुबह आप लोगों को ना हैवी नाश्ता था, ये इंज लग रहा है जिवें काले कपड़े दा थान दा ढेर लग गया। तो बस तो बस तक फार मार दे। तो अभी फिर चले भाई अंसार, चले चले चलें जी। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, फिर घर पहुंच के आपको मैं बताऊंगी सही बातें। गहरी है ना किटू भाई, अल्लाह हाफिज़। जी मैं पहुंच चुकी हूँ जी अपने घर, और आई होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और मजीद मेरे और भी व्लॉग्स देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।